4x square 3 square ratio 2x square plus 5y square बराबर 12 ratio 19 x का क्या है वैल्यू, तो इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। इसका कितना किसका इसका वैल्यू क्या आया 3:2, क्योंकि स्कोर है तो इसको अगर हम लोग स्कोर को हटाएंगे तो इधर आएगा हम लोगों का रूट, तो 3 9 का 3 हुआ 4 का 2। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज इफ एन एंगल इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, ये ट्राइंगल है, इसका ट्राइंगल का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका तीनों भुजा का रेशियो जो दिया गया है 3:4:5, तो टोटल वैल्यू 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 5 4 9 9 3 12, यानी कि 12 बराबर 180 डिग्री, 1 बराबर 180 बटा 12, मुझे क्या निकालना, लार्जेस्ट मतलब होगा 5 12 से जाएगा 15 बार, तो 15 5 75 डिग्री। समझ में आया? एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, याद करो। चलो दूसरा सवाल कौन सा है, ये समझ में आया? तो ट्राइंगल का वैल्यू 180 डिग्री हमेशा, हैंड्स A man had some hens and cows. If the number of heads be 48 and the number of legs, यानी कि कुछ हैन है और कुछ काउ है, दोनों मिलाकर इसके पास है 48 और इसका क्या है, पैर का संख्या 140, तो टोटल मुर्गी और काउ 48 है और इसका पैरों का संख्या इतना है, तो मुझे बताना है यहाँ पर कितना मुर्गी था, मुर्गी का संख्या बताना है। तो इसको हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि मुर्गी का 2 पैर होता है और गाय का 4 होता है, तो इसको मुझे मुर्गी निकालना है, तो मुर्गी बराबर होगा टोटल माइनस काऊ बटा 2 लिखना है, मुर्गी निकालना है। टोटल लेग कितना है, अभी टोटल लेग हो गया यहाँ पर, हाँ टोटल लेग कितना है 140। अभी काउ कितना होगा, काउ से इसका मल्टीप्लाई करो, 4 8 32 का 2 19, बटे में 2 आया, 10 में 2 गया 8, 13 में 9 गया कितना है 10 में कितना होगा इसका मल्टीप्लाई करने पर, 4 8 32 का 2 ठीक है, 10 में 2 गया 8, 13 में इधर से घटेगा, इससे कहाँ घटेगा, इधर से घटेगा, तो 2 आया 9 में 4 गया 5, तो 2 से भाग करो कितना आया 26। अब देखो इसका समझो थोड़ा, हैन और काउ दोनों का हेड इतना, यानी कि इतना हैन और काउ है तो पैरों का संख्या इतना है, तो हैन निकलना है, तो टोटल लेग कितना 140, तो गाय का कितना लेग है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 गाय है टोटल मान लिया, तो 4 पैर लगा कितना होगा, 192 पैर किसका हुआ, गाय का हुआ, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा टोटल मुर्गी का पैर, अब 2 से भाग करेगा तो कितना आएगा 26। उसी तरह अगर मुझे काऊ का निकालना है तो सेम लगाओ, टोटल लेग लगाओ यहाँ पर, फिर हैन का घटाओ और 2 से भाग दो। समझ में आया? और इसका दूसरा तरीका जिसको हम लोग करते हैं वो है, इतना मुर्गी था और इतना गाय था, ये कितना हो गया 48,
अब ये पैर है, ये पैरों का संख्या है, ये आया मेरे 140, ये हेड है, ये पैर है। अब सेम करना है तो 2x करो, 2y करो, इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते, कितना आ गया यहाँ पर 96। अब ये घटेगा, ये कटेगा, कितना आएगा माइनस 2y, माइनस कितना आएगा 10 में 6 हो गया 4, 13 में 9 हो गया 4, यानी कि ये गया, तो y बराबर कितना आएगा 22। ये y क्या है, y का है, तो y 22 है, तो कहो कितना n कितना होगा 26 होगा। ये तो हम लोग उस दिन ही सीखा, समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेम करना पड़ेगा ना, इसको इक्वेशन में सेम करना पड़ेगा, x को काटा अभी निकाला हम लोगों ने, गए, समझ में आया। दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, एक जो पहले बताया अभी और दूसरा ये, अभी गाय कितना है मुर्गी कितना है मालूम नहीं, इसीलिए हम लोगों ने x माना, x प्लस वाई, ये सर था, 2x प्लस 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये मुर्गी का पैर है, इसलिए दो, एक मुर्गी का दो पैर होगा। अब यहाँ पर 4 क्यों माना, क्योंकि गाय का 4 पैर होता है, और ये पैरों का संख्या 140, ये सर का संख्या 48 आया। अब दो क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को जब इस तरह का समीकरण करते हैं तो एक ही का नंबर करना पड़ेगा, तो दो लिया, तो दो लेने से 2x होगा, यहाँ पर भी 2 से गुना होगा, यहाँ पर भी 2 से गुना होगा, x गया, जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस बैठेगा, ये गया तो माइनस 4y में 2y घटा तो कितना आया माइनस 2y। अब 140 में 96, इसको भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो इतना आया, तो हम लोगों का वैल्यू आया गाय का, गाय कितना है, तो टोटल में गाय का घटाव है ना आएगा, समझ में आया। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। दूसरा कौन सा सवाल है बताओ, कौन सा क्वेश्चन है, अभी निकालना है मुझे एवरेज ऑफ एज। द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 इयर्स। एवरेज जब भी बोलेगा, एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स कितना है 20 है, तो टोटल एज कितना होगा, टोटल एज होगा, इसको करो कितना आएगा 60 आएगा। एवरेज बोलेगा तो एक का 20 करके, तो तीनों गर्ल्स का कितना आ गया 60 उम्र होगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि तीनों लड़कियों का उम्र का संख्या कितना है, अनुपात 3:5:7 है, ये तीन लड़कियों का है। अब ये कितना होगा 7 + 5 = 12, 12 + 3 = 15, तो 60 में मेरा क्या आएगा 15, ये उम्र है, ये उम्र का रेशियो है। अब मुझे किसका निकालना है, सबसे बड़ी लड़की का, सबसे बड़ी कौन है 7 है, 15 से 4 बच जाएगा तो कितना आया 28 उस लड़की का उम्र है, समझ में आया। ये समझ में पूछने के नहीं पूछने, चलो अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट सवाल, वही सवाल चलो। तो यहाँ पर बोला गया है कि द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 3 नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो, तीन संख्याओं का वर्गों का वर्गों का वैल्यू 725 है, और तीनों संख्या का अनुपात भी दिया गया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये हमारा थर्ड है, समझ में आया। ये दो है, इसका इसका 3 है, इसका 4 है, और इसका वर्गों का संख्या बोला है, तो हमें मालूम नहीं है कितना संख्या है, मालूम है नहीं है, तो वर्ग बोलेगा तो स्क्वायर लगाओ इस तरह से, ये 4x स्क्वायर होगा, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर, 16 × 9 = 25, 16 × 9 = 25, 25 = 29x स्क्वायर, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 725 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 725/29, कितना बार जाएगा इसको 25 बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 5। अब मुझे क्या निकालने के लिए बोला है यहाँ पर, तीनों का वो निकालने के लिए अनुपात, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 5, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा, देखो ये 4x है, ये हो गया हम लोगों का, क्या निकालना है मुझे, यहाँ से करना पड़ेगा था ना, वही तो काट के वही जाएगा, तो ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, तो यहाँ पर लगाओ 10 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा। अब 10 क्यों हुआ, क्योंकि x का वैल्यू 5 है,
सब में पांच होगा, सब में पांच होगा, मल्टीप्लाई करेगा उतना है, समझ में। चलो दूसरा सवाल कौन सा है, कौन सा है दूसरा सवाल, बोलो दूसरा सवाल कौन सा है, कौन सा है दूसरा सवाल। ये नोट का सर, नोट का संख्या। चलो यहाँ पर एक झोला है जिसमें एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 20, 10, 50, 5 रुपीस, एक बैग है उसमें 20 रुपया प्लस 10 रुपया और 5 रुपया का कॉइन्स है, सिक्का है, और इसका अनुपात दिया है 1:2:4 दिया हुआ है, और इन सभी का मूल्य कितना है टोटल 3,000 रुपया है। तो करो कितना आएगा इसका, 20 आएगा, इसका भी 20 आएगा, इसका भी 20 आएगा, तो टोटल कितना हुआ 60, समझ में आ रहा है। अभी मुझे 5 रुपया का नोट के बजे निकलना है, तो 5 रुपया का नोट का रेशियो कितना है 4, तो करो 6 से कितना बच जाएगा 5, यानी कि 200। अगर मुझे 10 रुपये का बोलता था 2 का, 20 रुपये का बोलता था 1 निकालना पड़ता, समझ में आ रहा है पक्का। चलो दूसरा कौन सा सवाल है, इज देयर एनी क्वेश्चन सर, रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम, कौन सा रेशियो ऑफ इनकम, तो इनकम रेशियो ऑफ ए और बी का, ए और बी का इनकम कितना है, इनकम कितना है 5:3 है, और इसका क्या है ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम एक्सपेंडिचर कितना है 9:5 है, और इसका सेविंग कितना है 2600, और कितना इसका 1800 है, तो इसका कितना हो गया, इसका 5×5 25, 9×3 27, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2। अब इसी को फिर ये इसको मल्टीप्लाई 18 से कितना बार देगा इसको 18×9=162, 25 से कितना बार देगा इसको 25×5=100, ये होगा हमारे 1,30,000, समझ में। सबसे पहले इनकम का रेशियो इधर लिखो, उसके बाद लिखा एक्सपेंडिचर का रेशियो, अब कितना बचा है, ये सेविंग है, ये बचा हुआ लिखा, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई किया 5×5=25, 9×3=27, दोनों का अंतर कितना है 2 है, 2 या नहीं हुआ, अब ये सेविंग है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18×9=162, 5 से इसको करो 1,30,000, और डिफरेंस कितना है इसका 32,000 आया, अब 3200 आया, मुझे क्या निकलना है, क्या निकालना है इसे, मुझे ए का दोनों का निकालना है, तो इनकम कितना है, पहले ए का निकाले इनकम 5 लगाओ यहाँ पर, कितना बच जाएगा इसको 16, तो ये कितना है मेरा 8,000 आया कि नहीं आया, उसी तरह दूसरा का 3 है, तो 3 लगाओ 16×3=48, समझ में। अब कौन सा सवाल है दूसरा बनाना है तो बोलो सवाल, अगर छोटा है तो बोलो सवाल, कौन सा सवाल है। चलो यहाँ पर बोला गया है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन लेस देन दैट ऑफ सी देन द इनकम ऑफ ए बी सी, क्या हुआ ए ए बी ए सी, तो ए का इनकम कितना है बी से 10% ज्यादा है, और बी का इनकम सी से 20% कम, सी का 100 है तो इसका कितना होगा 80 होगा, अभी सी कितना ज्यादा है 110% होगा, 10% ज्यादा है, तो गया इसका वैल्यू कितना आ गया 88, इसका वैल्यू 80, इसका वैल्यू 1000, तो 4×8, 4×8, 4×20, 4×25 यानी कि 22, 20, 25 इसका आंसर, सी का वैल्यू बी से 20% कम, अब बी का बी से ए का 10% ज्यादा, तो 80 में कितना ज्यादा है, तो इसको 110 लिखो यहाँ पर, अगर कम होता तो कितना लिखता हम लोग 90, ज्यादा मतलब हमेशा प्लस, माइनस मतलब हमेशा 80, 100 में 20 क्यों किया, क्योंकि 100 तो परसेंटेज में 20 घटेगा तो होगा ना,
ये नंबर है, इसमें परसेंटेज बोला है। अभी 50 रुपया है, इसमें 10% जोड़ना है तो मैं 60 तो नहीं लिख सकता हूँ ना, 60 होगा इसका, नहीं होगा। 50 रुपया तुम्हारे पास है, 10% बढ़ा के देना है, कितना देगा, 60 रुपये देगा, नहीं होगा ना। 50 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 110% निकालना पड़ेगा, यानी कि कितना देना पड़ेगा मुझे, 55 रुपया, यही कंडीशन है। खत्म, सवाल है या नहीं? देखो सवाल है तो पूछो, नहीं है तो क्लोज करते। इज देयर एनी क्वेश्चन? स्कूटर, चलो स्कूटर, कौन सा सवाल है स्कूटर पर? द प्राइस ऑफ स्कूटर इन टेलीविजन सेट आर इन द रेश 8:7। इफ अ स्कूटर कॉस्ट 4000 मोर देन टीवी सेट, द प्राइस ऑफ टीवी, ये स्कूटर लिखो यहाँ पर, ये टीवी लिखो, अनुपात कितना है इसका, 8:7 है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, स्कूटर का जो दाम है टीवी से कितना ज्यादा है, 4000 रुपये ज्यादा है, तो घटाओ कितना आएगा, एक एक बराबर 4000, तो मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, टीवी का, तो टीवी मतलब 7 है ना यहाँ पर, तो 7 × 4 कितना हो गया, 28000। दूसरा कौन सा है, खत्म? ऋषि भाई सवाल, सवाल है या नहीं है, बोलो। नहीं है सवाल,